चिराग? लगता है गरिमा के बारे में इसे कुछ नहीं पता। हेलो, यू देयर? हाँ, यही हूँ। बस कुछ सेकंड लेना, खो गया था। खो गए थे? आज तुम्हारी आवाज में ना कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा, इसलिए बस। मेरे फोन का वेट कर रही थी? नहीं तो ऐसा कुछ। अच्छा, तभी एक रिंग में मेरा फोन उठा दिया। वो एक्चुअली फोन मेरे हाथ में ही था, सो तभी। और वैसे भी मैं फोन उठाने में इतना टाइम नहीं लगाती। तभी एक हाँ बोलने के लिए एक महीना लगा दिया। राइट? वैसे जब शर्मा की स्माइल करती हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हें कैसे पता? 20 दिन ना तुम्हें ट्यूशन दिए, जब तुम्हारी नजर बुक पे होती थी ना मेरी तुम पे होती थी। तुम्हारी हर छोटी छोटी बात ना मैं जान चुका हूँ। तुम्हें कब हंसी आती है, कब गुस्सा आता है, कब प्यार आता है, और कब शर्म से तुम्हारे गाल कश्मीरी बच्चे जैसे लाल लाल हो जाते हैं। सब जान चुका हूँ मैं। चिराग प्लीज। प्लीज व्हाट? हाँ? अच्छा उसे छोड़ो, मैं सोच रही थी कि तुम मेरे बारे में कितना जानते हो, और मैं मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। You know why? क्योंकि जब तुम मुझे ट्यूशन पढ़ा रहे थे तब मैं पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रही थी, तुम्हारे ऊपर नहीं। अब जान लो मुझे। आज मैं तुम्हें एक डेट पे ले जाना चाहता हूँ। डेट पे? आज? आज मैं नहीं आ सकती, मेरा आज फास्ट है। फास्ट? कौन सा फास्ट? जया पार्वती व्रत। व्हाट? ये क्या होता है? ये व्रत कुंवारी लड़कियां रखती है एक अच्छे हस्बैंड को पाने के लिए। पर मैं तो तुम्हें मिल गया हूँ, तो अब किस बात का फास्ट? तुम्हारी सलामती के लिए। कल लास्ट है फास्ट का। मतलब आज की पार्टी कैंसिल? पार्टी? हाँ, बोस्टन से ना मेरे कुछ फ्रेंड्स आए और मैंने उनके लिए छोटा सा गेट टुगेदर रखा। एंड आई वांटेड यू टू कम। मैं सबको दिखाना चाहता था कि आप तो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। प्लीज ईशानी, प्लीज कम। मैं जरूर आती, पर ईशानी आई विल मेक श्योर तुम्हें ड्रिंक ले कोई फोर्स नहीं करेगा और तुम्हें तुम्हारा व्रत का खाना भी मिल जाएगा। ओके ओके, पर पार्टी में कोई स्पेशल ड्रेस तो नहीं पहनी? राइट? नो नो, नॉट एट ऑल। तुम कुछ भी पहन के आ सकती हो। एंड वैसे भी आई एम श्योर तुम कुछ भी पहनोगी ना उसमें बेस्ट लगोगी। एंड आई विल मेक श्योर मेरी सिंड्रेला को मैं 12 बजे से पहले घर पहुंचा दूंगा। ओके, आई विल कम। इतनी अजीब बात है, मैं हमेशा ईशानी को खुश देखना चाहता था, और आज जब ये खुश है तो मुझे डर लग रहा है कि क्या वाकई ये उस चिराग के साथ खुश रह पाएगी। मुझे प्यार है, बोलो ना उसे, आई लव हिम। चिराग नहीं, मुझे पता है गरिमा नाम की लड़की बहुत दिनों से उसके पीछे पड़ी है, जो उससे एक तरफा प्यार करती है और अक्सर चिराग को धमकाती रहती है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो अपने साथ कुछ उल्टा सीधा कर सकती है। मोटा बाबूजी ने तो पूरी दुनिया देखी है। अगर वो कह रहे हैं कि चिराग अच्छा लड़का है तो फिर मैं क्यों शक कर रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ईशानी को खोना नहीं चाहता इसलिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। तो फिर क्यों मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सब झूठ था? हाँ, बस एक ही रास्ता बचा है, सगाई से पहले चिराग का सच जानना होगा और उसके लिए मुझे गरिमा से मिलना होगा। हेलो, हाँ आप आ जाइए, मैं आपको हॉल में मिलता हूँ। आइए आइए, आप लोग लिस्ट लेके आए ना? या आइए प्लीज आइए। पर तू क्यों पूछ रही है? अब ये मत बोलना कि व्रत तूने होने वाले बच्चे के लिए रखा था। हमारी रेड डॉबी, ये पति के लिए व्रत होता है, होने वाले बच्चे के लिए नहीं। और इतना आसान नहीं होता है, 5 दिन बिना नमक के खाना और सारी रात जागरण करना। बा, मुझे तो ये व्रत बहुत इजी लगता है।
क्योंकि आजकल मैं तो फ्रूट चाट में ही रहती हूँ ना। हाँ, 3 किलो एप्पल, 4 किलो मौसम्बी। नाना, मैंने देखा है ना, 4 किलो मौसम्बी और 4 पपीते। अगर ये रोज उड़ाएगी तो तुझे तो इजी लगेगा ना बेना। ईशानी के लिए सैंडविच और मेरे लिए ओट्स ले आना। बैठो बेटा। माँ, मैं भी फ्रूट से खाऊंगी। वो एक्चुअली मैंने भी व्रत रखा है। क्यों, तुमने क्यों व्रत रखा है? तुम्हें तो अच्छा लड़का ऑलरेडी मिल गया है। आई नो माँ, पर चिराग ने हमारी फैमिली के लिए कितना किया है, सो मैं बस उसके अच्छे फ्यूचर के लिए, उसके अच्छी लाइफ के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। फ्यूचर तो अच्छा होगा ही, उसे तुम जैसी लड़की जो मिल रही है। नहीं, लेकिन व्रत रखना अच्छी बात है। आज सब अच्छा है, आगे पता नहीं क्या होगा। आगे पीछे की चिंता उनको होती है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। और तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा है, मैं हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चिराग है। इसलिए आज भी अच्छा हो रहा है और आगे और भी अच्छा होगा। मैं तुम्हारे फास्ट के लिए कुछ लेके आती हूँ। इस तरह। दिशा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाय दिशा, व्हाट्स अप? रुचिका, अब आ रही है तू? यू आर लेट। आई नो बाबा, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली हाय रुचिका, फॉरगेट इट। चलिए काम करते हैं, बाहर खाने चलते हैं। मैंने सुना है आप किम्स कॉर्नर पे एक नया इटालियन जॉइंट खुला है, वहीं चलते हैं। रणवीरा मिल जाएगा कार में, ठीक है? लेट्स गो। जब बाहर ही जाना था तो मुझे घर पे क्यों बुलाया? अरे यार, घर पे ना सबकी व्रत वाली बातें सुन के मैं पक गई, इसलिए। दिशा, मैंने भी व्रत रखा है। What? व्रत? लेकिन क्यों? एक अच्छे हस्बैंड के लिए। अब सबकी किस्मत ईशानी जैसी तो नहीं हो सकती ना, जिसे चिराग जैसा लड़का मिल गया हो। किस्मत अच्छी है या फूटी हुई, ये तो ससुराल जाके ही पता चलेगा। मेरा पूरा मन था बाहर खाने का, तूने पूरा मूड स्पॉइल कर दिया मेरा। यार तू ना ये खाने वाने की बातें मत कर, मुझे और ज्यादा भूख लगने लगती है। अब ठीक है, चले काम करते, ऊपर चलते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं। ओके चल। दिशा, मैं भी चलूं? वो मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। हाँ बोलो ना, क्या चाहिए था तुम्हें? मुझे कोई एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए थी। इंडियन नहीं, पार्टी ड्रेस। तुम ड्रेस पहनोगी? डोंट टेल मी तुम चिराग के साथ डेट पे जा रही हो। डेट नहीं, इट्स जस्ट अ पार्टी। उसके बॉस्टन से फ्रेंड्स आए हुए थे, सो ओके ओके, वी गॉट इट। ओ रोमांटिक रोमांटिक, चल। समोसे, समोसा। समोसा मांगा था, फुल पैन पिज़्ज़ा दे दिया। प्रतीक, ये तुम क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, आज मैंने भी फास्ट रखा था, लेकिन अचानक से समोसे की खुशबू से यार खींचा चलाया और रुचिका से टकरा गया। ओहो, पूरा व्रत गैंग एक साथ। हाय रुचिका। हाय। आप लोगों ने अभी अभी पप्पू और मैं के यम्मी डिलीशियस समोसे मिस कर दिए। समोसे थे, जस्ट टीजिंग। अंदर आ जाओ, एक काम करते हैं, कल का प्लान करते हैं यार। बोलो ऑन पार्टी कल रात को। पार्टी नहीं, जागरण नाइट। हाँ भाई, भगवान जी की पार्टी। प्लीज लेट्स प्लान फॉर सम स्टफ। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रेस दे देती हूँ, ठीक है? मुझे भी समोसा चाहिए। अरे तो ऐसे शक्ल क्यों बना रखी है, आओ ना मेरे साथ। आओ। देखो रुचिका, समोसे तो खत्म हो गए, अब क्या करें? पर तुम मुझे किस करके समोसा का टेस्ट तो ले सकती हो ना? देवेश! मुझे नहीं होना ये व्रत। देवेश, I want real food, वरना मैं बेहोश। नहीं नहीं नहीं, बेहोश मत होना। मैं आपके लिए ना नींबू पानी लेके आता हूँ, okay?
देखो बेबी मेरी बात सुनो, रोते नहीं। पापा इधर आओ। क्या है? अंदर आओ जल्दी। आप दो मिनट इसे संभालो, मैं एनर्जी ड्रिंक लेकर आता हूँ उसके लिए। अच्छा ए, मैं क्यों? रोको। देखो तुम प्लीज रो मत, शादी के घर में नहीं रोते हैं। अब मैं क्या करूँ, ये आंसू तो रुकते ही नहीं है। तो तुम ना कुछ अच्छा सोचो जिससे तुम्हें हंसी आ जाए, कुछ फनी। व्हाट फनी? जैसे कि तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारी चैताली आंटी ना डांस कर रही है। तुम्हें पता है चैताली को डांस करना आता ही नहीं है, और जब डांस करती है ना तो ऐसा लगता है कि वो भैंस का पूंछ पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रही है। चेतू, तुम गलत सोच रहे हो चेतू। हाँ, लेकिन देख तो सही रही हूँ ना, पूरे दिन घर पे रुके थे। तुम्हारा फास्ट है ना, तुम्हें फ्रूट्स खिलाऊंगा, और ये रासबेरी के साथ रासलीला खेल रहे हो तुम। हाँ चेतू, वो मैं, ये वो। चेतू चेतू मेरी बात सुनो। एंग्री चेतू, डोंट एंग्री चेतू, और एक थप्पड़ मार लो, लेकिन मेरी बात सुनो। चेतू मुझे गलत समझो, चेतू रुक जाओ, चेतू तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा, चेतू रुक जाओ।